जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, हो सकता है आपको उस पर यकीन ना आए, लेकिन मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये सच है। देखा जाए तो ये कहानी यकीन करने के बारे में ही है, क्योंकि कभी कभार आपको जिस चीज की तलाश होती है उसके लिए जरूरी होता है यकीन करना। तो ध्यान से सुनिए और खुद ही फैसला लीजिए। उन दिनों न्यू ओरिलियंस में हर किस्म के लोग रहा करते थे, सब के सब मस्त मौला, हर वक्त अपनी धुन में रहते, और ये लोग इस कहानी का हिस्सा है। लेकिन कहानी इनके बारे में नहीं है, ये कहानी है एक पायरेट की। कहते हैं कि वो 10 फुट लंबा था, उसके आंखों में चिंगारियां थी। मैंने मिसिसिपी में उसका जहाज देखा था। मेरी बात पर यकीन नहीं होगा तुम लोगों को। लोग कहते हैं उसके पास खजाना है। कितना सारा खजाना है? सोना है, गहने हैं। क्या वो पायरेट्स बहुत खतरनाक हैं? वो न्यू ऑरलियंस में क्या करने आए हैं? सिर्फ आपकी मेहमान नवाजी जनाब, थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पीना, और जाने से पहले मेरे आदमियों के लिए रात गुजारने के लिए बिस्तर। और उसके लिए तुम पैसे किस तरह चुकाओगे? आप उसकी फिक्र ना करें, आपकी दरिया दिली का पूरा मुआवजा मिलेगा। क्या ये सच है तुम वही पायरेट हो जो खजाना चुराने के लिए 7 समंदर पार गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा दिल भी धड़कता है जिस तरह आपका धड़कता है। रहा सवाल 7 समंदर का, मैंने 3 या 4 से ज्यादा नहीं देखे, लेकिन जिस खजाने का आप जिक्र कर रही हैं, वो मेरी खानदानी विरासत है। सदियों पहले उसे चुरा लिया गया था, और अब वो हिफाजत से मेरे जहाज पर है। हम घर वापस जा रहे हैं। अच्छा, मतलब कितना सोना? इतना सोना जितना आप सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे जहाज में है अभी? जो सुबह निकल जाएगा। चले जाओ। उन लोगों को यकीन था कि लारूश एक बदमाश पायरेट था। अपनी खुद की चीज वापस चुराने की उसने गलती की थी, और उन्हें यकीन था कि उसका खजाना चुराना बिल्कुल सही था। ये यकीन भी क्या चीज है। बड़े पाल पठाओ, जल्दी, वो लोग हमारे दुश्मन है, भागो, चलो जल्दी, चलो यहाँ, इसके पहले कि वो यहाँ आ जाए। हर आदमी खजाना चाहता था, कुछ मस्ती के लिए, कुछ अमीर बनने के लिए, और कुछ इसलिए क्योंकि हर कोई खजाना चाहता था। लेकिन इस कहानी की अफसोस वाली बात यह है कि किसी के हाथ कुछ भी न लगा। लेकिन लारूश इस बात से बेखबर था कि मैक्सिको के आसमान पर तूफानी बादल मंडरा रहे थे, और समुद्री तूफान जहाज को एक तिनके की तरह उड़ा सकता है, पायरेट के जहाज को भी। कुछ लोगों का कहना है कि उसने जहाज का रुख मोड़ दिया था, फिर कभी ना लौटने की कसम खा ली थी। लेकिन कुछ लोगों ने उसके जहाज को हवा में उड़कर लुइसियाना की खाई में गिरते देखा था। जो भी हो, वो खजाना किसी के भी हाथ न लगा। यहाँ तक कि लारूश को भी उसके हाथ की पकड़ ढीली हुई और वो समुद्र में गिर गया। ऐसा कहा जाता है कि आज भी कैप्टन लारूश की आत्मा उस खाड़ी में भटक रही है। उसे तलाश है अपने उस प्यारे खजाने की जो उसकी जिंदगी का मकसद था, और इस तरह उस खजाने का नाम पड़ा। बायुबाब, क्या ये सच है? कैप्टन लारूश की आत्मा का नाम बायुबाब है? हाँ है, तुझे क्या? कुछ नहीं, बायुबाब का नाम सुनने से पहले मुझे ये कहानी बड़ी अच्छी लगी। उसका नाम लुसियाना लारूश कैजून कैप्टन क्यों नहीं रखा? लेकिन बायुबाब, उसके नाम में बी का तो लेटर है ही नहीं।
उसे यही बुलाया जाता है। खाड़ी में आत्मा का नाम बायू बॉब है, ये हर कोई जानता है। क्या ये वाकई सच है? नहीं, ये एक सच्ची कहानी है। मैंने उस भूत को खुद देखा है 2 बार। ये हो ही नहीं सकता। ये भूत प्रेतों की कहानियाँ सिर्फ गांव देहातों में ही कही जाती है, उनके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मरने के बाद भी जिंदगी रहती है। साइंटिफिकली एक भूत को देखने की बात करना भी बेवकूफ़ी है। क्यों? ये तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन मैंने उसे देखा है, मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। टोडस्टर झूठ नहीं बोलता। प्रूव करो, हमें पिक्चर्स देखनी है। नहीं, पिक्चर को फोटोशॉप किया जा सकता है, हमें असली प्रूफ चाहिए। आखिर तुम हो कौन? मैं गैविन थॉमसन हूँ, मैं कल ही जर्सी से आया हूँ। हाय, मैं एमिली ब्राइंट हूँ। टॉडस्टर दिखाएगा कि वो मुझे नहीं जानता, लेकिन वो स्कूल में मेरे बड़े भाई की पिटाई करता था। तुम दोनों भूत के नाम से ही कांपने लगोगे। जी नहीं, मैं जानती हूँ गेविन भूत को देखना चाहता है। बिल्कुल, अगर ये झूठ नहीं बोल रहा हो तो। मतलब ये झूठ ना हो। ठीक है, पिछली बार जब मैंने बायू बॉब को देखा था वो सोलोमन मेंशन में भटक रहा था, जहाँ रोड खत्म होती है। हम आधे घंटे में जैक्सन स्क्वायर में मिलेंगे, अगर डर कर भाग न जाओ तो। रेगी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी पार्किंग स्पेस से दूर रहा करो। इसे मैं उठा कर लाया था, कम से कम मॉडल के दरवाजे पर तो पार्क करने दो। बेवकूफ मत बनो, हमें स्टील को हासिल करना है, जरा स्मार्ट होकर बात करना। कैसे करोगे बताओ तो? मुझे कुछ नहीं कहना, रहने दीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चलो अब दिखाओ मुझे। ठीक है, तो देखिए कैसा लग रहा है। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। मिस्टर मेयर, आप यहाँ आए उसके लिए शुक्रिया। उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें लात मारकर बाहर निकाल सकता हूँ अगर ये प्लांट बकवास निकला। अब मेयर एडम्स, हमारा कॉरपोरेशन शहर में 1200 एकड़ जमीन खरीदने की परमिशन चाहता है, जो सोलोमन प्लांटेशन के पूर्वी हिस्से में खाली पड़ी हुई है। हम वहाँ देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाना चाहते हैं। हम अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से हम एक ऐसा प्लांट लगाएंगे जो लुसियाना को ऑयल रिफाइनिंग का लीडर बना देगा, और हर साल आपके लिए लाखों करोड़ों डॉलर कमा कर देगा। इंटरेस्टिंग, लेकिन वो सारी जमीन बिक चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम आपका वक्त बर्बाद नहीं करेंगे सर, उन सबके साइन किए हुए कागजात 1900 से पहले के हैं, उस जमीन पर आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि उस दलदल में भूत प्रेत मंडराते हैं, और वायु बॉब ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। योर ऑनर, हम ऐसी अफवाहों पर यकीन नहीं कर सकते, सच ये है कि आप वहाँ से लाखों करोड़ों डॉलर कमा सकते। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन हाँ, अगर वो जमीन बिकाऊ बन जाए तो मुझे पक्का यकीन है कि बहुत लोग उसे बेचना चाहेंगे। हमें इस बात की उम्मीद थी कि आप उसकी नीलामी चुपचाप करवाएंगे, किसी को खबर ना हो। आप खुद ही चेक कर लीजिए मिस्टर मेयर। क्या ये एनवायरनमेंट के लिए सेफ है ये मॉडल? रिफाइनरी तो 100% सेफ है। 100%? क्या ये पक्की बात है? 50% तो है ही, लेकिन एक बात पक्की है कि इससे कम से कम 2.5 लाख लोगों को काम मिल जाएगा जो आपको अगले इलेक्शन में वोट करेंगे। मिस्टर रोनार्ड, रेज जी, मुझे लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे। हे, तुम तो जल्दी पहुंच गई। मुझे भी आना है। तुम्हारे बगैर हम जाते भी नहीं। तुम नहीं जाते? ये खुद को डॉन समझता है क्या? वो बस एक नौटंकी है। मुझे नहीं लगा था तुम दोनों डरपोक आओगे। ये सब क्या लाए हो? मॉम कहती है कि हमेशा तैयार रहो, सोचा भूत को ढूंढने के लिए जो भी चीज लगे उसे ले लो, जैसे कि टॉर्च, रस्सी, बबल गम, कंपास। हाँ, कम से कम अपना अंडरवेयर तो लाई होंगे, क्योंकि बायू बॉब को देखते ही। बायू बॉब को ढूंढ रहे हो? क्यों मुसीबत मोल लेना चाहते हो? असल में हम भूत को ढूंढने निकले हैं। लारुश, उसे परेशान होना पसंद नहीं। देखा,
ये जानते हैं। प्लीज सर इन्हें बताएं। हाँ सच में वो है, लेकिन उसके लिए अच्छा यही है कि उसे अकेला छोड़ दो। आज तो साइंस की दुनिया है, भूत असल में है कि नहीं इसका हमें सबूत चाहिए। ठीक है, जाओ और लारुश को ढूंढ निकालो, और जब उसे मिलो, उसे तुम लोग देख लो, तो अपने दोस्तों को बताना कि वो बायो से दूर रहे। एक्सक्यूज मी सर, उसे ढूंढने का फास्ट तरीका क्या है? मॉम ने कहा मुझे 9:30 बजे घर आना होगा, चाहे भूत मिले या ना मिले। लारुश को ढूंढने का सबसे आसान तरीका है उसके खजाने को ढूंढना। उसके खजाने को ढूंढ लो और वो तुम्हें ढूंढ लेगा। तो फिर चलते हैं। जैक, मेरा नाम गैविन है। हाँ जो भी है। मैं बाहर नहीं ले जा सकते, इसकी सिर्फ एक ही कॉपी है हमारे पास, हो जाए तो बता देना। थैंक यू। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? यहाँ शांति है क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है। हाँ लेकिन हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तुम्हें लगता है एक्स का निशान ढूंढकर तुम उसकी जगह को ढूंढ लोगे? अगर कहानी सच्ची है तो पायरेट जहाज वही होगा। देखो, इस जहाज को गुम हुए 2 सदियां बीत चुकी हैं। इस टाइम में न्यू ऑर्लियंस की आबादी कितनी बढ़ गई है, और फिर कोई खजाना भी नहीं मिला है? उन जगहों पर नहीं जाना है जहाँ सब जा चुके हैं, तो हमारे सामने थोड़े ही स्पॉट्स बच जाएंगे। हम शुरू करेंगे रोड से, घरों और पार्क से। इन सभी स्पॉट्स पर भीड़ भाड़ रहती है। अगर कोई पायरेट जहाज था तो किसी ने तो देखा ही होगा। तो हमें वहाँ जाना होगा जहाँ आज तक कोई नहीं गया, जैसे कि यहाँ सोलोमन प्लांटेशन। मैंने कहा था। कैसी हैं मैम? हमें एक ऐसा मैप चाहिए जिसमें शहर के दलदल वाले इलाके दिखाए गए हों। ये खजाना ढूंढने निकले हैं। मुझे तो ये काउबॉयज लगते हैं। मैप को बाहर नहीं ले जा सकते, हमारे पास एक ही कॉपी है उसकी। आज हर कोई वही मांग रहा है, आपको इंतजार करना होगा। हम उन्हें ये मैप नहीं दे सकते। जब आप लोगों का काम खत्म हो जाए तो मैप इन्हें दे देना। हमारा काम हो गया मैम। असल में हम कुछ ऐसा देख रहे थे जिस पर इतनी धूल ना हो। लेकिन हमें अभी तो निकले। तुम हमें वहां से बाहर क्यों ले आई? वो ट्रेजर हंटर्स थे। देखते हैं वो इसके बगैर कहाँ तक पहुँच पाते हैं। यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। अब हमने मुसीबत मोल ले ली है। जब खजाना मिल जाए मैं इसे रख दूंगी। तुम्हें इस मैप का इंचार्ज किसने बनाया? मुझे इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं। तो क्या मैप तुम्हारे हाथ में होना चाहिए? साथियों, कोई कहीं नहीं जा सकता एक दूसरे के बगैर। ये देखने के बाद लाइब्रेरियन को कितना बुरा लगेगा। अगर बैग का वजन ज्यादा है तो मुझे दे सकते हो। ठीक है, ये ले लो। फंसेंगे ये मुसीबत में। सोलोमन पैलेस। मुझे पूरा यकीन है बायु बॉब वहाँ रहता है। रहता है? क्या तुमने पूरा दिन मुझे चिढ़ाने की कसम खा रखी है? ये जगह मेरे मैप में है, आओ देखते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अभी भी रोशनी है। एक बार अंधेरा हो जाए तो फिर देखना क्या होता है। अभी सूरज डूबने में कम से कम 2 घंटे बचे हैं, तब तक भूत हमें परेशान नहीं करेंगे, है ना? रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। आ गए।
कितनी गंदगी है। बैटरी वेस्ट मत करो, घर जाने के काम आएगी। हम उतनी देर थोड़ी रुकने वाले हैं। कितना डरपोक है। ठीक है। लगता है तुम लोग यहाँ पर भूत के बहाने खजाना ढूंढना चाहते हो। समझो डॉट, हमारे पास करोड़ों का खजाना ढूंढने का मौका है, तो फिर कोस किसे देखने हैं? जो भी हो, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ अभी मुझे भूख लगी है। अरे वाह, आई लव क्रिस्पी क्रीम। तुम्हें क्या लगा ये मैं तुम्हें दूंगा? एमिली, मेरे पास कुछ एप्पल्स और सैंडविच है, खाओगी? ठीक है। शुगर। क्या तुम ठीक हो? ये पिछली बार यहाँ नहीं था। हमें यहाँ मस्ती नहीं करनी चाहिए, ये जगह खतरनाक लगती है। तुम दोनों डरपोक हो। लगता है यहाँ पर कोई रहता है। शायद पायरेट्स रहते हैं। पायरेट्स सूप नहीं पीते। ना, घर में रहते हैं। अच्छा, तो फिर उसके बारे में क्या कहोगे? ओह, खजाने का बक्सा। यहाँ पर किसी के कपड़े भी हैं। बढ़िया है। ये खिलौना है। कितना अजीब है। नाटक बंद करो टॉड, हमें पता है ये तुमने रखा है हमें डराने के लिए। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं रखे। तो फिर किसका है? या! ये सब मेरे हैं। ओ, ये कहाँ से आ गया? लगता है घर जाने का टाइम हो गया है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था। लेकिन वो भूत नहीं था, वो तो लारुश था। लारुश? वो कॉस्ट्यूम किसी ड्रामा कंपनी से लाया होगा। उसकी तलवार पर लिखा था मेड इन हांगकांग। जो भी हो, तुम दोनों डर गए थे। तुम भी डर गए थे, तुम तो हम दोनों से तेज भाग रहे थे। वो इसलिए कि हम लोग भटक ना जाएं। मैं ना तो पायरेट से डरता हूँ न किसी भूत से। झूठ बोलते हो। आकर कहाँ जाओगे? या रास्ता उस तरफ है। हर सती में कोई ना कोई आता है, उनकी परवाह मत करो, वो चले गए। लंगर उठाओ, चलो। देर करना ठीक नहीं है, सूरज डूबने वाला है और हमें खजाना ढूंढना है। तुम लोग चिल्लाना ही क्यों नहीं शुरू कर देते? हे लारुश, हम लोग यहाँ पर हैं। तुमने कह दिया ना। जो भी हो, तुम्हारा फोन इतनी जोर से क्यों बज रहा है? मॉम ने सेट किया है, जब मैं कॉल करूँ तो उसे पता चले। क्यों, वो क्या वार्डन है? इसे तंग करना बंद करोगे टॉट? मेरा नाम टॉटस्टर है। जो भी हो, अगला सिग्नल मिलने तक तुम्हें बैटरी सेव करनी चाहिए। हो, कितनी देर हो गई है। अगर जल्दी घर नहीं लौटे तो मॉम परेशान हो जाएंगी। लेकिन हम तो कल तक घर जा पाएंगे। क्या? मान लो हम खो गए हैं, इस वक्त दलदल के बीच में हैं, न सड़क है, न फोन है, और पायरेट्स की पूरी फौज हमारे पीछे है। सिर्फ दो ही तो थे, उनमें से एक भूत था। क्या फर्क पड़ता है, वो वहाँ है ना, और उससे भी बुरा मगरमच्छ। तुम्हारा मतलब है हम लोग यहाँ रात गुजारेंगे इस खुली जगह में? नहीं, वहाँ। मैंने इस तरह जंगल में रात नहीं गुजारी है। डॉन, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, बस
भूख लगी है। तुम्हारे क्रिस्पी क्रम्स कहाँ हैं? मेरे बैकपैक में, जो लारूश के घर पर है। लारूश को फोन कर दो, वो ले आएगा। मजाक मत करो, अगर तुम दोनों इतने डरपोक नहीं होते तो हम इस मुसीबत में नहीं होते। जब कहा कि मैंने भूत देखा है, तुम्हें यकीन करना चाहिए था। टॉटस्टर कभी झूठ नहीं बोलता। पता नहीं यहाँ नेटवर्क मिलेगा कि नहीं। तुम प्लीज बंद करोगे ये सब करना? क्यों, यहाँ कौन है सुनने वाला? मैं सुन रहा हूँ और ये परेशान कर रहा है। प्लीज इसका वॉल्यूम कम करो। नहीं कर सकता, इसे लॉक किया हुआ है। बिल्कुल बच्चे हो। दो, मैं करता हूँ। रुक जाओ, डॉट। छोड़ दो। तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा छोड़ दो। गाइस, सुनो, छोड़ दो। वो लारूश है। सीधी? मुझे नहीं लगता। तो फिर वो क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता, मुझे फोन दो। फिर से करो, मुझे ट्राई करने दो। ओह नो, बैटरी खत्म हो गई। हंस क्यों रहा है? क्यों नहीं? पता नहीं वो क्या है। मगरमच्छ। मगरमच्छ सीटी नहीं बचाते। तो कौन बचाता है? एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। अब ये क्या है? मगरमच्छ? ये मगरमच्छ नहीं है, ये तो शायद ये मर पपी हो। जैसे कि हमारे स्कूल में एक टैडपोल था, टीचर हमेशा कहती थी कि एक दिन मर पपी बन जाएगा, लेकिन उसके बड़ा होने से पहले मैं स्कूल से चला गया। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो इसके जैसा दिखता। मुझे तो ये बंदर लग रहा है। उससे डराओ मत, मैं बस देख रहा हूँ। उसे तुम्हारा माउथ ऑर्गन चाहिए। वो चाहता है तुम इसे बजाते रहो। तुम्हें क्या, मैं रास्ते पे बाजा बजाने वाला लगता हूँ? हम इस जंगल में गुम हो चुके हैं और इस अजीब से क्रिएचर के साथ हैं। अब इसके लिए अपना माउथ ऑर्गन बजाओ। ये कोई बंदर नहीं है। ये देखो, खजाना कहीं आस पास ही है।
मुझे उसकी महक आ रही है। तुम्हारे पास तो नाक भी नहीं है। मुझे पता है, पता है मुझे। चलते रहो, चलते रहो। मैं बहुत थक गया। थक गई। अपने बैग्स को यहाँ रखते हैं। ठीक कह रहे हो। बड़ा मजा आ गया। हाँ, एक और बार करेंगे। हाँ सही है, लेकिन मेरी मॉम सजा देगी, उसका क्या? उसकी फिक्र मत करो, आराम से सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मंकी। वो मंकी नहीं है। कुछ भी हो। बहुत है। ये भी चॉकलेट चाहूं। रखकर एक्स का निशान बना देता हूं। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो, सुबह हो चुकी है, सूरज निकला है, चलो निकलते हैं। हमारा दोस्त नहीं दिखाई दे रहा। लगता है तुम्हारे खराटों से भाग गया। मुझे भी रात भर नींद नहीं आई। हाँ, नाश्ता करना है। तू अजीब सी बात है। शायद वो खजाने के रास्ते में मिल जाए। हम खजाना ढूंढने नहीं जा रहे, हमें देखना है कि घर कैसे पहुँचे। हाँ, मेरा मतलब खजाने के रास्ते में मिल जाए, वही कह रही थी। वो सही बोल रही है। अगर तुम्हें सजा मिलनी है तो करोड़पति बन के सजा भुगतो। बिल्कुल नहीं, हमारे पेरेंट्स रात भर हमें ढूंढते रहे होंगे, हम सबको घर जाना होगा। पता है, तुम दोनों बिल्कुल बच्चे हो। ठीक है, जाओ घर। मुझे खजाना मिल गया तो रोते हुए मत आना मेरे पास। पर हमारे मैप्स के बगैर तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा मैप कहाँ है? अब मेरे पास नहीं है मेरा नक्शा, मेरा मैप। तुमने बैग में रखे होंगे, देखो तो। मेरा भी गायब है। और मेरा भी नहीं है। अजीब बात है, ये काम लारूश का लगता है, या फिर वो मंकी, जरूर उसने खा लिया होगा। हे, तुम आ गए। तो अब हम क्या करेंगे? तुम्हें जो करना है करो, मुझे तो खजाना अपने पास बुला रहा है। बाय। तुम लोगों से तंग आ चुका हूँ। कथा कहीं का मैप्स उसी के पास होंगे। हाँ, मगर हमारे पास ये है, जानता हूँ मिसिसिपी वेस्ट की ओर है, तो हम उस तरफ चलेंगे, रास्ता तो मिल जाएगा। तो चले अब। प्लान तो अच्छा है, थोड़ा बहुत। खजाने को हमें भूलना होगा। कोई बात नहीं, कम से कम एक दोस्त मिला। रेगी, 48 घंटों में शहर हमारा होगा और जमीन के मालिक हम होंगे। क्या बात है डैडी,
लेकिन मेयर ने तो कहा था कि हमें पूरी पेमेंट करनी होगी। अरे बेटे नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? और फिर इसमें बाहर के लोग भी पैसा लगाने वाले हैं, तुम चिंता क्यों करते हो? जैसे ही मैं उन्हें ड्रिलिंग के लिए सही जगह दिखाऊंगा, वो हमारे अकाउंट में पैसे डाल देंगे और एक हफ्ते के अंदर ही यहाँ ऑयल बहने लगेगा। लेकिन मैप तो हमें मिला ही नहीं, हमें सही जगह का पता कैसे चलेगा? अब वो काम तो तुम्हारा है, पहले खुदाई तो शुरू करो। हमारे पास 2 दिन है। अरे इस दलदल में सही जगह ढूंढने में मुश्किल क्या है? लारुश का खजाना मेरा होगा, क्या बेवकूफ बनाया। मैप कहाँ गए? धोखेबाज! ओ कहाँ गया, किधर है? ये मूंग स्प्राउट और नूडल सूप मेरा फेवरेट। बरसों बाद खाया। तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो नाविक? मैं काम करते करते थक गया था और मुझे भूख लगी थी। बात और बात मत करो, लगता है वो निकम्मे बच्चे अब यहीं रहेंगे, उन्हें किसी तरह यहाँ से दफा करो। पर मुझे वो चलो ठीक है कैप्टन, मेरा खजाना कोई नहीं चुरा सकता, कोई नहीं। इसका नाम क्या है? किसका? अरे तुम्हारे इस अजीब से दोस्त मंकी का। ओ, मुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं, बहुत सारे भूत थे वहाँ। ओह चलो इसे अच्छा सा नाम देते हैं। कभी कभार हम 2 वर्ड्स के आधे हिस्सों को जोड़कर नाम बनाते हैं, जैसे कि टाइटल का पहला हिस्सा और मंकी का आखिरी हिस्सा। क्यों? वो तो टर्की हुआ, ये टर्की नहीं है। अरे वो तो एक आइडिया था। वो लारुश है। मुझे नहीं पता, वो यही, मुझे लगा शायद तुमने मैप ढूंढ लिया। हमारे पास मैप नहीं है। तो फिर किसके पास है? तुम्हें कहा था तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते मेरी मदद के बिना। अगर इतने स्मार्ट हो ये बताओ सड़क कहाँ है? उधर। ये आखिरी है बेटे, यही जगह होनी चाहिए। मेरी बात मानोगे तो जिंदगी में तरक्की ही तरक्की। सुनो दोस्तों, ये शायद वो लाइब्रेरी वाले काउबॉयज हैं। ये लोग खजाना ढूंढ रहे होंगे, मुझे लगता है इनके पास मैप। चुप रहो अभी, शायद वो हमें ढूंढ रहे होंगे क्योंकि मैप हम ले गए थे। बिल्कुल बहुत अच्छे, यही जगह सही है। चलो उन्हें देखते हैं। हाँ ठीक है, इसी तरह से करते रहो, आगे बढ़ते रहो। बढ़िया, ये हुई ना बात। सुनो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। म्यूजिक सुनोगे तो काम में और मन लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जल्दी करो, कपड़े तो गंदे होते रहते हैं। अब यही फर्क होता है बच्चों में और बड़ों में। जब तुम मेरी उम्र के हो जाओगे ना तो तुम वो काम नहीं करोगे जो नहीं करना चाहते। तुम इस मामले में लकी हो। मुझे देखो, उम्र हो गई है मेरी लेकिन तुम्हारे साथ गड्ढे खोद रहा हूँ ना। हाँ, पता है पापा। मैं सोच रहा हूँ कि बाहर निकलकर थोड़ा प्रकृति का आनंद भी लेना चाहिए।
वैसे कुछ ही हफ्तों में ये सब यहाँ पर नहीं होंगे। तुमने सुना उसने क्या कहा? वो इस पूरे दलदल को खत्म करने वाले हैं। मतलब वो खजाना नहीं ढूंढ रहे। लेकिन वो इतनी दूर क्या करने आए हैं? हाँ थोड़ा सा लेफ्ट में लो। नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। थोड़ा ऊंचा, थोड़ा और ऊंचा, ऊंचा नहीं थोड़ा नीचा, थोड़ा और नीचा, बस थोड़ा सा ऊपर। हाँ हे, अब ठीक है। आज का दिन कितना शुभ है रेगी। यही इसी दलदल में करोड़ों का तेल है जो हमारा होने वाला है। हमें सही जगह मिल जाएगी और लोग हमारे अकाउंट में पैसे डाल देंगे, मेयर कागज पर साइन कर देंगे और जमीन हो जाएगी हमारी। फिर हम दुनिया में सबसे अमीर बन जाएंगे। क्या कर रहे हैं? रुके रुके, क्या आपने कुछ सुना? अरे मैं अपना गाना सुन रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। मुझे लगता है वहाँ से आवाज आई। तुमने सच में सुना था? हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ लोग गुजरे। ठीक है चलो चेक करते हैं, हम नहीं चाहते कोई हमारी जमीन पर नजर रखे। बहुत बुरा हुआ। सही कहा, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी माँ मुझे डबल सजा देगी। कितनी फट्टू हो तुम। मैं रिफाइनरी की बात कर रही हूँ। अगर उन लोगों को तेल मिल गया तो सब खत्म हो जाएगा, ना दलदल होगा ना खजाना, और हमारा दोस्त बेघर हो जाएगा। तो क्या हुआ? वैसे भी लग रहा है कि ये तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। बात ये नहीं है, उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तो क्या करोगे? मॉम को बुलाओगे? वो सब जानती है क्या करना चाहिए। सबसे पहले वो कहती हैं उस बोर्ड को वहाँ से हटाओ। अब समझा, तुम्हें भूतों में यकीन नहीं है पर मैजिक में है, क्योंकि उसको गायब करने का बस यही एक तरीका है। मैजिक नहीं, सिंपल फिजिक्स। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बेटे हम काफी वक्त बर्बाद कर चुके, हमें सही ड्रिलिंग स्पॉट को ढूंढना होगा। उसके बाद हम जीपीएस की जानकारी लोगों को ईमेल करेंगे और इस गंदे दलदल का नामो निशान मिटा देंगे। प्लान तो अच्छा है। थैंक गॉड मैंने जो बोर्ड लगाया वो आखिरी था। चिंता मत करो बेटे, बोर्ड्स की फिक्र करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने कुछ नहीं किया। हे रेगी, आखिर तुम कर क्या रहे हो? ये वही लाइब्रेरी वाले बच्चे, इन्हीं के पास वो मैप है। सुनिए डैड, रुको मत जाओ, अभी भागो यहाँ से। दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। रेगी मुझे बाहर निकालो। रेगी क्या कर रहे हो? क्या उन लोगों को रोकने के लिए केमिस्ट्री की जगह कुछ और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं? ये फिजिक्स जो भी हो। तो ठीक कह रहा है, और मैं जानती हूँ कौन मदद करेगा। दलरूश, पागलों की जोड़ी नंबर वन। जरा सोचो, हम जानते हैं वो भूत असली है। अगर उन लोगों को पता चल जाए कि दलदल में भूत है तो वो यहाँ रिफाइनरी लगाने की गलती नहीं करेंगे। सवाल ये है उन्हें लारुश तक कैसे ले जाए। नहीं सुनो, हम लारुश को उन तक ले जाएंगे। याद है जैस्मिन ने क्या कहा था? उसे पता चल जाए कि खजाने के पीछे हो तो वो तुम्हें ढूंढ लेगा। और कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर। और जहाँ तक हमारी चाल का सवाल है, हम सोलोमन प्लांटेशन 18 मिनट और 24 सेकंड में पहुँच जाएंगे। जो भी हो, दिन में भूत को ढूंढना बेवकूफी और टाइम बर्बाद है। कल तक तो तुम कुछ और ही कह रहे थे। कल मैंने ये नहीं कहा था कि लारुश के साथ पार्टी करेंगे, और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि वो वहाँ होगा ही? बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। क्रिस्पी क्रीम। लारुश को क्रिस्पी क्रीम डोनट्स पसंद है? नहीं, मुझे उनकी स्मेल आ रही है। वो देखो,
मेरे डोनट्स। शुगर, क्या तुम्हें शेयर करना नहीं आता? कैसे दोस्त हो, मैंने तुम्हें अपना आखिरी एप्पल दिया था। किसने कहा हम दोस्त हैं? और ये किसने कहा कि तुम मेरे डोनट्स खा सको? छोड़ सकते, शायद वो भी यही करता, लेकिन हम उसके जैसे नहीं हैं। सुनो, रुक जाओ। तुम्हें हमारे दोस्त को छोड़ना होगा। तुम्हें किसी और को पकड़ना चाहिए, हम मदद करेंगे। तुम कैसे मदद करोगे? लरूश का दलदल बचाकर। ऑयल काउबॉयज से। ऑयल काउबॉयज वो यहाँ आ गए हैं और काम कर रहे हैं। हमें लरूश को ढूंढना होगा। लरूश को कोई नहीं ढूंढ सकता, और इस दलदल में किसी की हिम्मत नहीं है कि पैर रखे। मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है, समझे? लेकिन ये बताओ, तुम हो कौन? तुम पायरेट तो नहीं हो? मैं पायरेट नहीं हूँ। मैं तुम लोगों को पेट पर उल्टा लटका दूंगा, तुम्हारा सब छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरा दूंगा। तुमने ये क्यों कहा कि मैं पायरेट नहीं हूँ? मैं तुम्हें बताता हूँ। कोई फायदा नहीं, मैं एक अच्छा पायरेट नहीं हूँ। मैं तो बच्चों को भी नहीं डरा सका। अब मेरे दादाजी मुझे लात मार कर बाहर कर देंगे। लरूश तुम्हारे ग्रैंडपा हैं? हाँ, समझो वो मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडपा हैं। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। वाओ, तुम्हारी फैमिली में बहुत मजा आता होगा ना? ऐसी बात नहीं है, मैं अकेला हूँ। मैं आखिरी लरूश बचा हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि मेरी ड्यूटी है कि अपनी फैमिली के खजाने का पता लगाऊं। मैं इस दलदल में 10 साल से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। लेकिन इस तरह के कपड़े क्यों पहने? कितने अजीब लग रहे हो। क्या बोल रहा है ये? क्या, मैं सच कह रहा हूँ? जानता हूँ, मैं जानता हूँ। मैंने सोचा यही ठीक रहेगा। वैसे भी दलदल में घूमते रहना कोई अच्छा काम तो नहीं है, लेकिन यही एक रास्ता है मेरे ग्रैंडपा के खजाने को ढूंढने का। मैं हर रोज लोगों को डराता हूँ और हर रात उनकी मदद करता हूँ खजाने को ढूंढने में। इसी तरह दलदल को बचाता हूँ। लेकिन ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे, क्योंकि कुछ ही दिन में यहाँ पर बिल्डिंगें बन जाएगी। मैं क्या तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? बोलो। हाँ, वो तो हो। सुनो, हर कोई जानता है कि ये जगह प्राइवेट जमीन है, इसीलिए 200 साल से किसी ने इसे हाथ नहीं लगाया। लेकिन वो लोग इसे कल खरीदने वाले हैं। अगर यहाँ बड़े बड़े मॉल बन गए तो अपने खजाने को भूल जाना। ये सच कह रही है, उन्हें भगाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा, लेकिन इससे तुम्हें क्या मिलेगा? क्या तुम्हें भी खजाने की तलाश है? नहीं, हमारा एक दोस्त है जो इस दलदल में रहता है। हम इतना चाहते हैं कि उसका घर ना टूटे। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मेरे साथ मेरे ग्रैंडपा के अलावा इस दलदल में और कोई नहीं रहता, और वो मर चुके हैं। जो तुम सोच रहे हो वो गलत है। वो कोई इंसान नहीं है, शायद वो दिखता कैसा है? मगरमच्छ? वो ना तो मंकी है ना ही मगरमच्छ। ओ, तो वो लबू है। लबू? हाँ, वो लबू है। वो इस दलदल का सीक्रेट है, और उसकी सुरीली आवाज गूंजती है। वो लुसियाना की जान है। मैं यहाँ 10 साल से रहता हूँ, लेकिन कभी कभार उसकी झलक ही देख पाता हूँ। और तुम कहते हो देखा है? उसे देखा है, 10 मिनट पहले तक वो मेरे कंधे पर बैठा था। क्या उनमें से एक को तुमने पकड़ा था? क्या वो एक से ज्यादा है? ये दलदल उनसे भरा पड़ा है, लेकिन वो बड़े शर्मीले और बड़े चालाक है, कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता। लेकिन रात में अगर तुम आवाज न करो तो उनके गीत सुन सकते हो। कहते हैं कि उनके गाने से ही दुनिया में जैज म्यूजिक पैदा हुआ था। मैं नहीं मानता। टॉड, अब तक कितनी अजीब बातें हुई हैं हमारे साथ। वो टॉडस्टर है। ओ, चुप रहो। मेरा नाम क्लिंटन है, क्लिंटन लरूश। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जो लबू का दोस्त वो मेरा दोस्त। मैं गैविन हूँ, और ये है एमिली। हाय। तो लबू कहाँ है? काउबॉयज ने उसे डरा दिया। वो जानता था वो खतरे में है। फिक्र मत करो बच्चों, ये समझो कि हम पायरेट्स भी किसी से कम नहीं हैं। 200 सालों से इस दलदल में चोरों के आने की एक ही वजह है, खजाना। हम उन बच्चों को ढूंढ रहे हैं, ऑयल को? पता नहीं, मुझे लगा कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। हमेशा मैं ही क्यों प्लान बनाऊं?
आप क्यों नहीं सोचते? अरे दिमाग ठंडा रखो अपना। अगर प्लान के लिए तुम्हारा मुंह देखता ना तो ये महंगे जूते पहनकर दलदल में नहीं चलता। हम दोनों को ढूंढ रहे हैं। अगर हमें बच्चे मिल जाए क्योंकि उनके पास मैप है तो समझो प्रॉब्लम सॉल्व। अगर हमें ड्रिलिंग का सही स्पॉट मिल गया तो बैंक में पैसे ही पैसे। अरे इस मामले में बच्चों का तो साइड रोल है। अगर तुमने मेरे चेहरे से मच्छर उड़ाया है तो ठीक, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हे, उसे तोड़ मत देना, वो बहुत ही महंगा है पता है, जल्दी नहीं मिलता। अगर मुझे वो इस गेटअप में देखेंगे तो दुम दबाकर यहाँ से भाग जाएंगे। तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? बिल्कुल, ये हर बार काम करता है। इसका नाम है लॉन्ग जंप सिल्वर। जरा मुझे उठाना। चलो। यकीन नहीं हो रहा। मैंने ऐसा ही कुछ सोचा था। हमें जल्दी से जल्दी ऑयल को ढूंढना होगा क्योंकि मुझे नया सूट खरीदना है। सोचो कितना पैसा होगा, जरा सोचो कितना पैसा होगा। लोग कहते थे इंटरनेट में पैसा लगाओ रोनाल्ड, वेब में पैसा लगाओ रोनाल्ड, कहाँ गए वो सब रेगी? मैं उन सब लोगों को भूखे भेड़ियों को खिला दूंगा। सब रेंगते हुए मेरे पास आएंगे जब हमारी रिफाइनरी बन जाएगी। डैडी सुनिए, यहाँ पर कुछ है। कोई जानवर होगा। हाँ लेकिन कौन सा? यहाँ कोई एनिमल चैनल नहीं है, हमें सिर्फ ऐसे जानवर की तलाश है जो तेल में लिपटा हुआ हो। बिल्कुल ठीक, जब मैंने उन बच्चों को देखा था उनके साथ एक जानवर था, मंकी जैसा। लुसियाना बायू में बच्चों के साथ मंकी था? लगता तो है, लेकिन वो हरे रंग का था, एक फ्रॉग जैसा। हरे रंग का मंकी? रगी घर लौटते ही मैं सबसे पहले तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाऊंगा। वो शायद एक एलियन था। ये क्या कह रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो अगर एलियन मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे एलियन नहीं बेवकूफ, ऑयल मिला है, हमें ऑयल मिल गया। सच में? तुमने ये पौधे देखे? मैं इन्हें देखते ही समझ गया, ऐसा सिर्फ वही होता है जहां हेवी मिनरल डिपॉजिट होता है। एलियन? गलती तुम्हारी माँ की है। ऑयल बुद्धू, जहां मिनरल होता है वहां ऑयल होता है, पैसा ही पैसा। वहां कुछ है? मुझे लगता है ये आखिरी हिस्सा है। अब हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया था, जहां पर हो वहीं खड़े रहो। बिल्कुल ठीक, लारुश का भूत कहता है खबरदार इस दलदल में आए तो भाग जाओ यहाँ से, भागो वरना तुम्हारी खैर नहीं। हमेशा मुझे करना पड़ता, आप क्यों कुछ नहीं करते? आइंदा यहाँ दिखाई दिए तो तुम लोगों के बैंड बजा कर रख दूंगा। भागो, नहीं छोड़ूंगा। लगता है वो चला गया। वो ऐसे तो गायब नहीं हो सकता। वो कोई भूत हो तो हो भी सकता है। रेगी, भूत भूत कुछ नहीं होता, कोई जोकर लकड़ियों पर चल रहा था। पर उसने आपको डरा दिया था। मुझे पलट के जवाब मत दो वरना पार्टनरशिप से हटा दूंगा। अब जल्दी से गाड़ी तक पहुंचो, सामान निकालो और अपना काम शुरू कर दो। ये भूतों की बातें दिमाग से निकाल दो। यही कहीं गिरा। जल्दी करो, हमें उसे ढूंढना होगा। हाँ मिल गया, मिल गया, यहाँ है। उठो। वो चले गए। हाँ लेकिन तुमसे डर कर नहीं भागे वो। वो पत्थर ठीक तुम्हारे माथे पे लगा था। तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रख सकते हो, वो लोग वापस आ रहे हैं। वो गुंडे हैं, उन्हें डरा कर भगाने के लिए हमें कोई तगड़ी चाल चलनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कोई चाल काम आएगी, उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया।
अब हमें देखना होगा कि टाइम खत्म होने से पहले वो किसी और को ना बता पाए। हाँ, मुझे नहीं लगता हम ये कर पाएंगे। दोस्तों, हम ये कर सकते हैं, दोस्तों की तरह, एक टीम की तरह। कौन कौन है? जरूर चलो भी। प्लीज मान जाओ ना। ग्रेट, सबसे पहले हमें फोन की जरूरत है। ओ, वो मेरे पास है। वैसे अभी तो नहीं है, लेकिन सोलोमन मेंशन में है। तुम फोन पर किससे बात करते थे? कैप्टन हुक से? नहीं, वो इमरजेंसी के लिए है, स्टाफ के लिए। कुछ मंगाना हो तो? जो भी हो, फोन तो फोन है। हमारा प्लान ये है, हम दो ग्रुप में जाएंगे। अरे ये काम क्यों नहीं कर रहा? देख कर नहीं चल सकते तुम? मैंने तुम्हारे जैसा कमजोर काउबॉय नहीं देखा। मैं अपना हाथ ऊपर उठाकर कुछ कर रहा हूँ और तुम देख नहीं रहे मुझे। लेकिन डैड। बकवास बंद करो और मेरा सूट गंदा मत करो, वरना ड्राई क्लीनिंग के पैसे भी तुम्हें ही देने पड़ेंगे। इसे हुआ क्या है? ये काम क्यों नहीं कर रहा? मिल गया सिग्नल। ये कहता है 39 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड, 90 डिग्रीज लैटिट्यूड। हम अमीर बन गए। उठिए, पकड़ो उसे। रुक जाओ। मेरा सूट। ये तो पायरेट है। तो तुम्हें क्या लगा था कि कौन होगा? सेंटा क्लॉज। एक मिनट, तुम कोई पायरेट नहीं हो। कौन हो तुम? सोचते रहो, मैं चला। मैं आ गया। पकड़ लो मुझे। पकड़ लिया। ये काउबॉय हो गया। भागो, रुक जाओ। आप बीच में क्यों आए? मेरी गलती नहीं है। बेवकूफ कहीं के। आप ठीक हैं? बंद है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये ना चल पाए। तुम्हारा ब्रेनी बॉयफ्रेंड यहाँ पे होता तो जरूर कोई आइडिया दे देता। उसके दिमाग में गर्म हवा भरी है। मिल गया, हम टायर से हवा निकाल देते हैं। चलो। लेकिन वो फिर भी ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन इस रोड पर ज्यादा दूर तक नहीं। एक बार ट्राई करके देखते हैं। अब इतने डरपोक भी मत बनो। मैं फट्टू नहीं हूँ। तुम समझ तो गए हो, लेकिन समझने की हिम्मत नहीं है। ये हुई ना बात। लबू, मैं जानती थी तुम आओगे। कैसे हो दोस्त? ओह बेबी डॉल, इससे पहले कि वो दोनों काउबॉयज आ जाएं, हमें चारों टायर्स की हवा निकालनी है। ये क्या चीज है दोस्त? ये ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट डिवाइस है। क्या? ये ऑर्बिट के सैटेलाइट को सिग्नल देता है कि प्लैनेट पर तुम्हारी सही लोकेशन कहाँ है। ये तो बरसों से है। खैर, मुझे इसके बारे में नहीं पता। इससे हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा। हमें बस ये देखना है कि सोलोमन प्लांटेशन कैसे पहुँचे। उसके बारे में फिक्र मत करो, मैं इस जगह को बिल्कुल अपने। मैं सोचता हूँ हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे। हाँ, दरअसल मैं कहने वाला था कि बिल्कुल उस पेड़ की तरह। वहाँ उस पेड़ को देख रहे हो? इसका मतलब है कि हम लोग घर से 3 मील दूर हैं। ऊपर की दिशा मिसिसिपी की तरफ और नीचे की प्लांटेशन की तरफ। क्या बात है, अब हमें चलना होगा। एमिली और टॉड सड़क पर आ गए हो तो हमें मिल जाएंगे। बहुत बुरी हालत हुई हमारी। अरे, चारों टायर पंचर। ये उन्हीं बदमाशों का ही काम है। उनकी मेरे काम में टांग अड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? हमारे काम में। शट अप। मैं स्पेयर टायर निकालता हूँ। तुम्हें समझ भी नहीं आता चारों टायर पंचर हैं। कम से कम कुछ कर तो रहा हो। कुछ करना चाहते हो तो बैंक बंद होने से पहले कस्टमर्स को सही लोकेशन बताओ। माना कि टायर पंचर है, लेकिन फोन तो काम कर रहा है ना। अरे मैं जानता था तुम्हारा दिमाग चलेगा और तुम्हारी खोपड़ी चल पड़ी।
सिग्नल मिल गया है। हेलो मिस्टर ऑन्थन फेलो। हाँ जी बोलिए, क्या है? मैं रोनाल्ड मैकडॉवेल बोल रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे हमें तेल मिल गया है। मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया था ताकि आप पैसा ट्रांसफर कर सकें, ठीक है ना? बहुत खुशी। आपके पास पेन है? बिल्कुल है। गुड, तो फिर लिखिए। क्या क्या लिखना है? क्या मतलब क्या? मुझे कोड्स दो। मुझे आपने कब कहा था याद रखने के लिए? GPS तो आपके पास था। लेकिन अब वो मेरे पास कहाँ है? इसीलिए मैंने जोर जोर से वो नंबर बोले थे ताकि तुम उसे याद कर सको। बीच में एक बच्चा झूलते हुए आया और वो GPS उड़ा ले गया। अब आप बहाने बना रहे हैं? नहीं सर, ये नई टेक्नोलॉजी है ना, तो कभी कभार गड़बड़ हो जाती है। अच्छा एक सेकंड के लिए आप होल्ड कर सकते हैं? याद करो वो कोड्स हमें चाहिए। मिल गया, 11/27/81। ये तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है। हाँ वो तो है, याद आया, उसमें एक चार भी था, 44/17/39। नहीं नहीं रुकिए, ये तो मेरे स्कूल का लॉकर नंबर है। सिर्फ दो ही नंबर तो हैं, एक लैटिट्यूड का और एक लॉन्गिट्यूड का। तब तो और भी आसान है, उनमें से एक एक है। नहीं नहीं तो फिर दो। नहीं तीन है क्या? चुप रहो। हाँ सर, वो जरा नेटवर्क नहीं मिल रहा था। अगर आप, मैं आपको फिर से फोन करता हूँ कि आप पैसा ट्रांसफर करेंगे। अब हम क्या करेंगे डैड? एक बार कुछ ढंग का काम कर सकते हो क्या तुम? हमें उन बच्चों को ढूंढना होगा, उनसे GPS लेना होगा। वो दलदल में ही कहीं छुपे होंगे। कब तक छिपेंगे वो? बार्नी बोल रहा हूँ, बोलिए। हेलो बार्नी, रोनाल्ड बोल रहा हूँ। सारी मशीनरी लेकर आ जाओ, मुझे सोलोमन हाउस पर मिलो। हम इस दलदल का सफाया करने वाले हैं। क्या तुम इस इलाके को अच्छी तरह से जानते हो? 10 साल से चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। क्रेजी जैक्स, लेजी ओक से लेकर स्प्लिट ग्रास रिजर्वर और उस डेड मैन्स नोल तक। बड़ा डरावना है, इसीलिए उसका नाम डेड मैन्स नोल पड़ा है। और वो खजाना कभी नहीं मिला, वो है भी या नहीं? हाँ शुरू में तो मुझे शक था, लेकिन ग्रैंडपा को मिलने के बाद मेरी उम्मीद बढ़ गई। एक बार जब तुम भूतों से बात कर लेते हो ना, तो चीजों को नए ढंग से देखने लगते हो। चलो चलते हैं। तुम्हें अच्छा लगा? अभी दिखाता हूँ। अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं। हाँ ये बढ़िया था। इसे तुम अच्छे लगते हो। हाँ ठीक है। हे टॉड स्टार। टॉड क्या? सॉरी मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। तुम्हारे साथ चलकर अच्छा लगा। ये अब तक का मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा एडवेंचर है। ठीक है, एंजॉय करो, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। और तुम और वो ब्रेनी मंडे को स्कूल में सबसे कह देना कि टॉटस्टर कभी भी झूठ नहीं बोलता। तुम हमेशा इस तरह से। क्या हुआ दोस्त? क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? उसे जाने दो, घर अब बिल्कुल पास में है। हेलो, फाड़ में जाए। हे क्लेटिन, तुमने लबू को देखा? कम से कम डरने की एक्टिंग तो कर सकती थी। मैंने कहा था ना कि लबू को यहाँ कोई नहीं देख सकता। ये देखो, हे शायद मुझे देखकर। वो दरअसल क्या है कि शायद वो हमारे साथ कुछ देर रहना चाहता है। वाओ तो तुम आ गए। टॉड कहाँ रह गया? ये क्या बात हुई? तुम कुछ समझते हो लेकिन ना समझने का बहाना कर रहे हो। ए सुनो, तुम्हें पता है तुम्हारे पास एक चीज है जो मेरी है।
प्लान के मुताबिक चलना चाहिए। शायद वो सॉलमैन हाउस में इंतजार कर रहा हो। हाँ, वो रहा सामने। ये तो काउबॉय है। चुप जाओ। ये लो कौन? हमें घर के अंदर जाना होगा। तो चलो जल्दी। चलो। बताओ तुम्हारे दोस्त हमारी चीज लेकर कहाँ गए हैं? वरना बहुत मार पड़ेगी, समझे? क्या? मैंने कहा अगर मैं नहीं बताऊंगा तो तुम मेरा क्या कर लोगे? मैं तुम्हारे पेरेंट्स को लिखूंगा कि तुमने हमारे घर में घुसकर हमारी चीज चुराई है। भाड़ में जाओ। अरे तुम्हें तो एक बच्चे को धमकाना भी नहीं आता। इसके साथ बेरहमी से पेश आओ, इसे मगरमच्छ को खिला दो। हाँ ये ठीक रहेगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। मैं तुम्हारे स्कूल में सबको बता दूंगा कि तुम डांस सीख रहे हो। पहले तुम बेवकूफ। क्या? तुम बेवकूफ हो। मशीन और लोगों को लेकर आ गया हूँ मैं। हम आ गए। क्या काम है बोलिए, हमें क्या करना होगा? इस दलदली जगह पर कुछ बच्चे और एक नकली पायरेट घूम रहे हैं। उन्होंने मेरा जीपीएस चुरा लिया है। वो मुझे इसी वक्त चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा। इस जगह का चप्पा चप्पा छान मारो। जब तक वो नहीं मिलते यहाँ से कोई नहीं जाएगा। लेकिन बॉस, इस दलदल में भूत रहते हैं, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। जो भी मेरा जीपीएस मुझे ला कर देगा उसे मैं $1,00,000 इनाम दूंगा। लेटिन, तुम्हारा फोन ढूंढ कर लाओ। ठीक है। देखो उधर है। चलो चलो जल्दी। पर मैंने उसे सबसे पहले देखा, इसलिए इनाम मेरा हुआ। मेरा फोन, मुझे पता है, मैं ढूंढता हूँ। चलो तुम मेरे साथ चलो। चलो चलो। तुम यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? आ जाओ। उस बच्चे को पकड़ कर लाओ, वरना जो पकड़ कर लाएगा उसे $1,00,000 अपनी जेब से देना तुम। चलो, और चलो, फिर मैं उसे अपना पार्टनर बना लूंगा। हो सकता है कि उसे मैं गोद भी ले लूं। तो था, कहाँ गया? आ जाओ, चलो 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 दोस्तों। ये तो अंदर आ रहे हैं। हाँ ये सही रहेगा। चलो 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 इस तरफ से। दरवाजा खोलो। क्लेटन नीचे आ जाओ। क्या कर रहे हो? इतनी देर हो गई, अभी तक मिले क्यों नहीं? खिड़कियां तोड़ दो, निकम्मे हैं सब। अगर 6 बजे से पहले ग्राहकों का पैसा बैंक में नहीं जमा हुआ तो मैं लूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। निकालो, निकालो, सब तोड़कर बाहर निकालो, निकालो। अब ये हो गया। कहाँ गया, मिल नहीं रहा। जल्दी करो। एमिली, इसका दूसरा सिरा पकड़ो। तुम यहाँ आराम से बैठो। तोड़ दो। केविन, तुम्हारा ये प्लान तो काम करेगा ना? बिल्कुल। इस वक्त उनका दिमाग सटका हुआ है, उनकी आंखें धुंधली है, जिसका फायदा हम उठाएंगे। हम उनका ध्यान बटाएंगे और वो हमारे जाल में आकर फंस जाएंगे। इसका मतलब हम उनकी धुलाई कर देंगे। यहाँ लेटे लेटे क्या कर रहे हो? बच्चों को नहीं पकड़ सकते?
मैं भी आ रही हूँ। हे पकड़ो हमें, आ जाओ, आ जाओ, खींचो। ये काम कर गया। अरे तू खुल कैसे गया बदमाश, कहीं का तूने रस्सियां कैसे खोली? इधर आ, मैं कहता हूँ इधर आ, मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा, तू याद करेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे गया कहाँ, इधर आ, इधर आ। दोस्तों कहाँ हो तुम? हम ऊपर हैं, आ जाओ। कहाँ गया, कहाँ गया वो? मुझे नहीं पता। हे, तुम्हें ये चाहिए ना? ये तुम्हारे पास है? बहुत बढ़िया, अब क्या करेंगे? घबराओ मत, हम एक जाल बनाएंगे। ओ, इसमें नहीं फंसेंगे। ठीक है, तुम वहां से निकल जाओ। टॉड, तुम कहां हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब ये ठीक है ना? छुप जाओ। Hey! चलो चलो भागो भागो। मैं जॉनसन बोल रहा हूँ, आप कौन? देखो यही कहीं होंगे। सभी लाइनें व्यस्त हैं। हाथ से मत निकल देना, चलो। देखो वहां, ए कहां चले गए? मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम यहाँ टॉयलेट में घुसकर क्या कर रहे हो? ग्रैंडपा, मेरा मतलब, मेरा मतलब कैप्टन सर, हम मुसीबत में हैं, हमें दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया है। तो ज्यादा वक्त नहीं है, वक्त बर्बाद मत करो, हमें अपना खजाना बचाना होगा। अंदर कुछ गड़बड़ा है, देखता। मुझे भी ऐसा लगता है। क्या तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया कि अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाते हैं? कहाँ भाग कर जाओगे? चलो यहाँ भूत है, चलो यहाँ से। कोई नहीं चाल है, लेकिन हर बार काम करती है। मेरा जीपीएस कहाँ है? आपकी चाबी ले लीजिए, आप खुद ही ढूंढ लीजिए, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। मेरा फोन गुम हो गया। अब मैं चाबी कहाँ ढूंढूं? डेट मुझे मिल गया, वो है 39 लॉन्ग और 90 लेट। मेरा फोन गुम हो गया है, हमें वो नंबर्स देने होंगे। वो आप कैसे देंगे? ये तुम ही सोचो। फोन, फोन। Thank you.
क्या क्या तुम एलियन हो? ये क्या? सुनिए डैड, एक एलियन फोन लेकर भाग गया, कभी सुना है आपने? तुम्हें अंदाजा है कि तुम जो कह रहे हो उसका कोई मतलब भी है? डैड, मैंने वही कहा जो मेरे साथ हुआ। अरे फोन ढूंढो। मेरा हेड। अब क्या करें? तुम यहाँ रुको, हमें ऊपर चढ़ना होगा। बिल्कुल मत हिलना, वरना तुम्हें उठा ले जाऊंगा। वो एलियन नहीं है। उसे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दो? मैं इसे बेच दूंगा, फिर ना तो मुझे फोन की जरूरत होगी, ना ग्राहक की और ना किसी और चीज की। ये मुझे माला माल कर देगा। उसे नीचे रखो, रखो जल्दी। कौन रोकेगा मुझे? मैं। तुम ठीक हो? चलो यहाँ से निकले। रेगी, कहाँ हो तुम? मैं ये खेल खेल कर तंग आ चुका हूँ। अच्छा, तो मैं तुम्हारे साथ लुका छुपी खेलूंगा, भूले तो नहीं हो ना? लुका छुपी बचपन में तो खेलते होगे ना? भूत, मैंने एक भूत देखा। डैड, वो भूत नहीं, एलियन है। उसे पकड़ लेंगे तो अरबपति बन जाएंगे। चलिए। अब हम क्या करें? वो लबों के पीछे पड़ गए हैं। उन्हें ग्रैंड पास से भी डर नहीं लगा, अब उन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। दलदल भी चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। शांत हो जाओ कैप्टन क्राई बेबी, पिक्चर अभी बाकी है। अगर हम उन्हें यहाँ से भगा नहीं सकते हैं, तो उन्हीं के गेम में हरा तो सकते हैं। क्यों नहीं, अगले 2 घंटों में मेयर से इस जमीन को उनसे पहले खरीद लेना है, याद रखना। एक और बात, उसके लिए करोड़ों डॉलर्स कहाँ से आएंगे? इसलिए हमें उस खजाने को ढूंढ निकालना है अभी। क्या तुम्हें लगता है कि हम उस जहाज को ढूंढ लेंगे जो 200 साल पहले गुम हो गया था? मैप के बगैर तो नहीं ढूंढ पाएंगे। क्या? मुझे पता था तुमने चुराया होगा। पर लबू हमारे बैग से क्यों निकालेगा? लेकिन उसके पास थे। अच्छा, मान लेता हूँ कि मैंने लिए, लेकिन ये इसने मुझसे चुराए। तुमने मैप्स क्यों लिए? हम सब तो साथ थे। पता नहीं, मुझे लगा कि तुम लोग मुझे बीच में छोड़ के चले जाओगे, इसलिए सोचा मैं ही पहले निकल जाता हूँ। हम तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करते टॉड। मैं समझ गया, अभी माफ कर दो यार। शायद यहीं पर मेरे ख्याल से, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो लारुश का जहाज यही डूबा होगा। नहीं, वो जगह डेड मैन्स नोल है। कहा था ना मैंने सारा इलाका देख लिया है। बिल्कुल, आओ चलें। मैं भी आया। कुछ नहीं मिला। मुझे भी नहीं मिला। क्या तुम्हें दिन में चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं? मैंने कहा ना, वहां एक एलियन था, बिल्कुल उसके जैसा, जैसे उसके जैसा। चलो जल्दी। तो मैं भी घोड़ों की रेस में सबसे तेज दौड़ने वाला अरबी घोड़ा हूँ। तुमने सही कहा था, वो सच में एक एलियन है। हम अमीर बनने वाले हैं। चलिए पकड़े उसे। यस। जल्दी चलो। चलो जल्दी निकलो, भागो। चलो अलग हो जाते हैं। जल्दी। भाग कर जाओगे कहाँ? लेकिन इस सड़क के अलावा
इस तरफ, उस तरफ, उस तरफ डैड। पागल पायरेट एलियन को लेकर वहां गया है। अमीर बनने के लिए मैं सब करूंगा। अपने आइडियाज अपने पास रखा करो। मेरा आइडिया खराब था तो आपने माना ही क्यों? अरे दम घुट रहा है, जल्दी खिड़की खोलो। नहीं, खिड़की बंद करो जल्दी। अब क्या करें, हम तो फंस गए। ये हमसे कहना क्या चाहता है? वाह, वो हमें बचाना चाहता है। कितना अच्छा है ना, हमें एक एलियन बचा रहा है। अरे अब जल्दी से कुछ सोचो और इस गड्ढे से बाहर निकलो, वरना हम दोनों मगरमच्छ का नाश्ता बनने वाले हैं। लबू, हम यहाँ हैं, आ जाओ। हम बच गए। बस अब ज्यादा दूर नहीं है। इसके आगे डेड मैन्स नोल है, लेकिन यहाँ कोई खजाना नहीं है। वो इसलिए क्योंकि खजाना उसके अंदर है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्लेटन, इस दलदल में ऐसे कितने टीले हैं? वैसे एक तो उधर, ओ नहीं नहीं, शायद उस तरफ, नहीं शायद उस तरफ, मेरे ख्याल से नहीं। बिल्कुल, हम निचली सतह पर हैं, जहाँ तक नजर जाती है हमें जमीन गीली ही मिलेगी, सिर्फ इस टीले को छोड़कर। यहाँ के पेड़ और झाड़ियाँ अचानक ही बन गई है, क्योंकि दलदल में और कहीं भी ऐसी जगह नहीं है। शायद जहाज यही डूबा होगा और उसका लंगर यही कीचड़ में धस गया होगा। तूफान के सताई चीजें भी आ गई होंगी जो टीले में समा गई होंगी। यही वजह थी कि लारूश अपना जहाज नहीं ढूंढ पाया, तूफान खत्म होने से पहले ही वो डूब चुका था। तो वो जहाज मुझे लगता है यही कहीं होना चाहिए। पता नहीं दोस्तों, यहाँ आने के बाद मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। अच्छा होगा कि हम सब मिलकर एक बार चलो उठो। क्या है? इसे मास्ट हेड कहते हैं। 1800 में इसे जहाज के अगले हिस्से में लगाया जाता था। यकीन नहीं होता, इतने दिनों से ये यहीं पर था। ओ। क्या बात है, ओ, कितना बड़ा है ये जहाज। बड़ा जहाज है ये। ये देखो, टूटा हुआ। मैं जानता था ये असली है, ये सब कुछ असली है। बहुत खूबसूरत है। सारे खजाने यहाँ हैं। वाह। हाँ, दो सौ साल के बाद आखिरकार हमने ढूंढ ही लिया। 200 साल ऐसे ढूंढता रहा और आखिर अब ये मेरा हो ही गया। अब ये मत सोचना कि तुम इसे जीते जी बाहर ले जाओगे। लेकिन हम इस पैसे से दलदल को बचाना चाहते हैं। सबसे पहले तुम अपनी जान बचाने की फिक्र करो, तुम सब मारे जाओगे। क्रेंगबा, ये कैसे कर सकते हैं, ये तो बच्चे हैं। तुम अपनी ये बेकार की बकवास बंद करो, तुम्हें आता ही क्या है? बस करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब बेकार की बातें हैं। इस तरह गुर्रा कर आप हमें डरा नहीं सकते। ये सब पुरानी बातें हैं, अब खेल खत्म हो चुका है।
हमने खजाना ढूंढ लिया है, तो इस तरह डराना धमकाना बंद करो। अब आपकी यहाँ धमकी नहीं चलेगी। मेरे ग्रैंडपा एक अच्छे आदमी थे, उन्होंने अपनी फैमिली के गौरव के लिए सब कुछ किया, कभी बच्चों को डराया नहीं। यह हमारा खजाना है, अब आप जाओ और कब्र में जाकर आराम करो। ग्रेटा, मेरे बच्चे, तुम बगावत कर रहे हो? नहीं सर, मैं वही कर रहा हूँ जो आप जिंदा रहते करते थे। ये खजाना ढूंढने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, लेकिन आपने मेरी मदद नहीं की, जबकि हमने इसे ढूंढ लिया है। अब मैं इसका इस्तेमाल उस चीज के लिए करूंगा जो जरूरी है। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि वो क्या है, लेकिन अब पता चला है। मैं जानता हूं यह सही है। सदियां बीत गई, मैं भूल गया था। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि मेरा खानदानी खजाना हिफाजत से रहे। अब इसे तुम जैसा सही आदमी मिल गया है, इसे मैं तुम्हें सौंपता हूं। प्यारे क्लेटन लारोश, अलविदा ग्रेट ग्रैंडसन, और तुम्हारे बहादुर दोस्त, खजाना तुम्हारा। हाँ, हमने कर दिखाया। हमने कर दिखाया। रुको, ये सोचो कि हम इसे मेयर तक कैसे ले जाएंगे। वहां पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। क्या पायरेट्स के पास लाइसेंस होता है? मैं जानता हूं आपको कितनी फिक्र है, मैं पूरे दिल से आपके साथ हूं। मैंने काफी पुलिस ऑफिसर्स को इस केस में लगा रखा है, सभी पुलिस स्टेशन्स पर फोटो भी भेज दिए हैं। हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, पूरा शहर उन्हें ढूंढ रहा है। मैं कहती हूँ बच्चों को ढूंढने के लिए पूरी फौज लगा दो। हमारे बच्चों से तो बात कीजिए, कैसे भी उन्हें ढूंढ लीजिए। सर, बाहर एक आदमी है जो बच्चों के बारे में कुछ जानता है, उसे अंदर भेजिए। मिस्टर मेयर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप जानते हैं बच्चे कहाँ हैं? बताता हूँ सर, मैंने आज का पेपर देखा और लगा कि ये मेरा फर्ज है। मैं ये बताने आया हूँ कि मैं जानता हूँ कि वो बच्चे कहाँ थे। मैं आपको बताने आया था, लेकिन अब आप खुद ही देख सकते हैं। बाहर देखिए। ओ, तो ये बात है, ये तो आ गए। अरे, ये आ गए। पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए। पहले पेरेंट्स को बच्चों से मिलने दीजिए, उसके बाद मैं पता लगाऊंगा कि आखिर हुआ क्या। मेरे बच्चे घर आना चाहता था, लेकिन मुझे बहुत बड़ी तबाही को बचाना था। मॉम, मैं ठीक हूँ। ये सच है कि मेयर साहब सोलोमन प्लांटेशन के आसपास वाली जगह को बेचना चाहते थे, वो भी ऑयल कंपनी को। एक मिनट रुकिए, ऑफर आए थे लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया था। बात ये है कि मैं जनता के लिए एक प्रपोजल रखना चाहता हूँ। इन्होंने उनसे 48 घंटों के अंदर पैसा जमा करने के लिए कहा था, पर हमने उन्हें रोका। ये एक ऐसी प्रजाति को बर्बाद करने जा रहे थे जो वहाँ पल रहे थे, और ऐसी प्रजाति सिर्फ लुसियाना में पाई जाती है। साथ ही दलदल की सफाई से वहाँ लब भी मारे जाते। गैविन बिल्कुल यही कह रहा था। इतना ही नहीं, हमने खजाना ढूंढ निकाला और एक नेक काम करना चाहते हैं। ये कहानी तो बड़ी अच्छी है, लेकिन वो कौन सा नेक काम है जो तुम करना चाहते थे? मेयर सर, मेरा नाम क्लेटन लारूश है, मैं ग्रेट पायरेट्स का आखिरी वंशज हूँ। इन बच्चों की मदद से मैंने अपनी फैमिली की विरासत को फिर से हासिल कर लिया है, और अब मैं इस खजाने को सोलोमन प्लांटेशन खरीदने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। क्या बात है, तुम्हारे खजाने में कितना माल है? वो मैं कैसे बताऊं? इतना सारा है। वाह। रुक जाओ। मिस्टर मे, सौदा हमारे बीच हुआ था, हम पैसा जमा करने वाले थे, लेकिन इन बच्चों ने सब बर्बाद कर दिया। सच्चाई तो यह है कि इस खजाने को मैंने ढूंढा था, इन्होंने मुझसे चुरा लिया है।
एक मिनट रुकिए बच्चों, क्या ये सच है? नहीं, यकीन कीजिए मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपसे बात नहीं कर रहा। आप इनसे क्यों पूछ रहे हैं, पागल और बच्चों से? आप इससे पूछ रहे हैं जिसने पायरेट का कॉस्ट्यूम पहन रखा है और जो निहायत ही बेहुदा दिख रहा है? इस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं आप? सुनिए डैड, अब तक आप हमेशा झूठ बोलते आए हैं। इस दुनिया में और भी बहुत सी जरूरी चीजें हैं। मेरी गुजारिश है वो जमीन पायरेट को दे दी जाए। शांत हो जाइए आप लोग, ये कानूनी मामला है। क्या किसी के पास कोई सबूत है? सबूत मैं दे सकता हूँ। खजाना मेरा था और मैं अब ये खजाना बच्चों को देता हूँ। वो इसका जो चाहे करे। क्या आपको इसमें कोई तकलीफ है? मिस्टर लारूश, हमें आपका सौदा मंजूर है। थैंक यू। नहीं, मैं ये नहीं लेने दूंगा। ये मेरा है। क्या कर रहे हैं? ये सब मेरा है। पकड़ो उसे, जाने ना पाए। मैं किसी को नहीं लेने दूंगा। रुक जाओ। मैं बाद में फिर लेने आऊंगा। क्या आप सच में एक पायरेट हैं? ये हमारा खानदानी पेशा है। हमें लबू के बारे में कुछ बताइए। वो बहुत प्यारा है। हम उन्हें कैसे बचाएंगे? सच में ये तो बहुत ही क्यूट है। शायद हम आज के दिन को लबू डे नाम दे सकते हैं। ये तो इलेक्शन में भी खड़ा हो सकता है। सुनो सुनो सुनो, हम उस जमीन का बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। फैसला लेने में मदद करने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं तो ये सोच ही नहीं पाता। ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। ये ठीक कह रही है। जब कागजात पास आ गए, उस पर सबके सिग्नेचर हो गए, स्टेट टैक्स बोर्ड के साथ लेन देन पूरा किया, एक इंश्योरेंस पार्टनर को साथ ले लिया, बड़ा आसान था। जो भी हो, मुझे खुशी है मैंने ये प्रस्ताव रखा और हर किसी ने मेरी ये बात सुनी। हाँ, उनकी आवाज न्यूजीलैंड से भी सुनी जा सकती है। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है बच्चों। यहाँ लबू तुम लोगों की मदद करने के लिए है। उसकी आंखें बहुत तेज हैं। उन्हें सिटी की आवाज अच्छी लगती है। किसी को सिटी बजानी आती है? बजाओ। मुझे पता था वो आएंगे। वो देखो सामने। ओ वाह, क्या हम उन्हें परेशान तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लबू को इंसान बहुत अच्छे लगते हैं। उसे बच्चों से प्यार है। उन्हें देखकर वो खुश हो जाते हैं और गाना गाने लगते हैं। तब बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और आपके एक लबू खरीदने पर उसे जो भी पैसा मिलता है, उस पैसे का इस्तेमाल पूरी दुनिया में इस तरह के जो भी जानवर हैं उनके लिए किया जाता है। पूरे पैसे? पूरे पैसे। पता है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। तुम वो फर्क जरूर लाओगे। हम सब मिलकर लाएंगे। हम सबने मिलके किया तभी तो ऐसा हो पाया। हाँ, यही तो दोस्त करते हैं। सच कहा। चलो जो भी हो। हाँ, यकीन कीजिए ये सच्ची कहानी है। सबसे बड़े खजाने अजीब जगहों पर ही मिलते हैं। बस अपना दिमाग खुला रखिए। याद रखिए, जो कुछ आप देखते हैं वैसा होता नहीं। जी हाँ, आप हैरान रह जाएंगे कि ये जिंदगी आपको कितना कुछ दे सकती है, क्योंकि यकीन करना ही सब कुछ है।